चलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी फेसबुक पर बहुत सारे वीडियो देखते हैं, चाहे कोई सा वीडियो, किसी भी कैटेगरी का वीडियो आप देखते हैं फेसबुक एप्लीकेशन के अंदर, और आप चाह रहे हैं कि हमारे कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड पता ना कर पाए कि हम फेसबुक पर कौन कौन से वीडियो को देखते हैं, यानी सिंपली बोलूँ तो आप अपने फेसबुक वॉच हिस्ट्री को हटाना चाहते हैं। मतलब जो भी आप फेसबुक पर सर्च करके देखो या जो भी वॉच करके देखो, वो सारे हिस्ट्री को आप डिलीट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप खुद से बहुत सारे कोशिश किए होंगे डिलीट करने के लिए, लेकिन आपको कहीं भी सर्च हिस्ट्री या वॉच हिस्ट्री डिलीट करने का ऑप्शन नहीं मिला हुआ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट और देखिएगा, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा और आप इस ऑप्शन को यूज़ करके सारे सर्च एंड वॉच हिस्ट्री को किस तरीके से आप डिलीट करेंगे फेसबुक एप्लीकेशन के अंदर से। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अकील और आप देख रहे हैं अकील फॉर यूट्यूब चैनल। चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने डिवाइस में फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस होगा। आप ऊपर में राइट साइड कॉर्नर में थ्री लाइन के ऑप्शन पर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, यहीं मिलेगा ऑप्शन सेटिंग एंड प्राइवेसी। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे टाइप करेंगे, यहाँ सेटिंग ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग पे टाइप करेंगे। सेटिंग पे जैसे फ्रेंड्स टाइप कर लेंगे, आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दें नीचे, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फाइनली ऑप्शन शो हो चुका है। यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन का नाम है एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन। आप इस पर टाइप करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरीके से नया पेज आ जाएगा, और आपको नीचे ही मिलेगा ऑप्शन योर इन्फॉर्मेशन, और यहाँ मिलेगा योर एक्टिविटी अक्रॉस फेसबुक। आप इस ऑप्शन पर टाइप करेंगे। इस बॉक्स पर टाइप करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, और यहाँ मिलेगा नीचे में सी मोर का ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, आप सी मोर वाले पे टाइप करेंगे। अगेन इस पे टाइप करने के बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करके फिर से यहाँ सी मोर पे टाइप करना होगा। इस पे टाइप करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा फ्रेंड्स, तो यहीं मिलेगा एक ऑप्शन वीडियो यू वी वॉच, मतलब आप जो देख चुके हैं वीडियो उसका ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर टाइप करेंगे, तभी तक अपने फेसबुक के अंदर जो ही वीडियो को वॉच कर चुके हैं उन सभी का यहाँ पे हिस्ट्री शो हो जाएगा इस तरीके से। हालांकि कहीं शो नहीं होता है, और यहाँ से आप डिलीट भी कर पाओगे। पर्सनल डिलीट करने के लिए थ्री डॉट पर टाइप करेंगे, नीचे में डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। आप डिलीट पर टाइप करके इली एक को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आप सभी को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको ऊपर ही मिलेगा ऑप्शन क्लियर वीडियो वॉच हिस्ट्री। आप इस पर टाइप करेंगे, 27 यहाँ पे शो रहा है अक्टूबर, यहाँ पे क्लियर करेंगे तो डेट वाइज यहाँ आप डिलीट कर सकते हैं। देखिए मैं डिलीट हो चुका है, पर थोड़ा सा आपको रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश करोगे तो देखिए 27 यहाँ से ऑटोमेटिक हट चुका है, और 21 यहाँ पे डेट शो हो रहा है। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर डेट वाइज भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डेट वाइज क्लियर नहीं करना है, आप अपने हिसाब से मतलब ज़्यादा डेट का मतलब सेलेक्ट करके क्लियर करना चाहते हैं, जैसे 1 मंथ 2 मंथ, तो आपको वहाँ पे फिल्टर के ऑप्शन पे टाइप करना है। फिल्टर पे टाइप करके नीचे मिलेगा ऑप्शन डेट अपडेट के ऑप्शन पे टाइप करेंगे। यहाँ आपको अपने हिसाब से डेट को सिलेक्ट करना होगा, किस डेट से किस डेट का आपको हिस्ट्री डिलीट करना है। स्टार्ट डेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एंड नीचे में आपको मिलेगा एंड डेट। आप पहले स्टार्ट डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, इस तरीके से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और नीचे एंड डेट को आपको क्लिक करके इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा कि आप किस डेट से किस डेट का हिस्ट्री को आप क्लियर करना चाहते हैं। ऊपर में डन के ऑप्शन पर टाइप करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपको पहले रिफ्रेश करना होगा क्लियर करने से पहले। तो हम थोड़ा सा यहाँ फ्रेंड्स स्क्रॉल करके रिफ्रेश कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद उसके बाद आपको क्लियर वीडियो वॉच हिस्ट्री पे टैप करना है। इस पर टैप करेंगे, क्लियर करना है, और ऑलमोस्ट आप दोबारा से रिफ्रेश करोगे तो जितने आपने डेट को सिलेक्ट किया है फ्रेंड्स, उन सभी डेट के बीच का जो भी हिस्ट्री था वो डिलीट हो चुका है परमानेंटली। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप 1 साल 2 साल पिछले का हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ सिंपल आपको बैक हो जाना है। इस पर जैसे फ्रेंड्स आप टाइप कर लेंगे तो फिर से आपको डेट वाला ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको सिंपली स्टार्ट डेट पे टाइप करके सिंपल पहले ईयर सेलेक्ट करना है जिस ईयर से आप इस ईयर सर डिलीट करना चाहते हैं। डन पे क्लिक करेंगे, उन सभी ईयर्स का यहाँ पे हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। तो रिफ्रेश करके आपको अगेन क्लियर वीडियो वॉच हिस्ट्री पे क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स इस पर क्लिक करेंगे, क्लियर का पॉपअप आएगा, क्लियर पर टाइप करेंगे। अब दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो 1 ईयर्स का जो भी अपने डेट को सिलेक्ट किया है, उन सभी डेट के बीच का जो भी हिस्ट्री आपका बना था वो सभी हिस्ट्री क्लियर हो चुका है। देखिए 29 अगस्त 2022 हो रहा है, क्योंकि मैं इसको सिलेक्ट नहीं किया था, इससे मैं पिछले का सिलेक्ट किया था, तो वो सभी यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से फेसबुक के वॉच हिस्ट्री को 1 साल 2 साल पहले का भी आप डिलीट करना चाहें तो ये डिलीट कर सकते हैं।